जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, बिहार एक्साइज कांस्टेबल की परीक्षा 14 मई को लिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर 14 मई को परीक्षा है तो इसका एडमिट कार्ड कब आएगा और एडमिट कार्ड को आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हम लोग देखेंगे, पिछले बार जो 16 अक्टूबर 2022 को मदनी से सिपाही का एग्जाम लिया गया था, उसमें फाइनल कटअप क्या था और इस बार जो एग्जाम होगा इसमें कटअप क्या रहेगा, कितने प्रश्न आप लोग सही करेंगे ताकि आप लोग फिजिकल के लिए जा सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट को अभी भी डाउट है कि एग्जाम में किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न पूछा जाएगा, इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, तो सभी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग सेशन को एक बार फटाफट से लाइक करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पिछले बार जो 76 पोस्ट का एग्ज़ाम लिया गया था उसमें फाइनल कटअप क्या था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी लिखा हुआ है और किस कैटेगरी से कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे। तो देखिए, जनरल की बात करें तो पिछले बार 76 पोस्ट में जनरल कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे 40 और कटअप किया गया था, तो मेल में देख सकते हैं 86 कटअप गया था और फीमेल में 76। EWS की बात करें तो सिलेक्ट हुए थे 60 कैंडिडेट, जिसमें मेल का कटअप था 80 और फीमेल का कटअप 54। SC का यहाँ पे देख सकते हैं 5 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे, कटअप था 76 और फीमेल का 70। ST का देख सकते हैं 3 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे, मेल में कटअप था ST का 72 और फीमेल नहीं था। अब EWS EBC की बात करें तो 7 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे, जिसमें मेल का कटअप 80 और फीमेल का कटअप क्या था 72। BC की बात करें तो टोटल 13 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे, जिसमें मेल का कटअप था 80 और फीमेल का कटअप था 72। और BCW की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ही कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे, जिसमें देखिए यहाँ फीमेल में कटअप दिया हुआ है 70, इसमें मेल कैंडिडेट नहीं थे। तो चलिए, अब हम लोग बात करते हैं इस बार जो एग्ज़ाम होगा इसमें आपका एग्ज़ाम में कटअप क्या रहेगा। तो इस बार का कटअप देखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं इस बार कितने ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो फिजिकल के लिए जाएंगे। तो देखिए, टोटल पोस्ट है 689 और आप लोग ये सभी जानते हैं 689 का 5 गुना जितना भी स्टूडेंट होगा वो फिजिकल के लिए जाएगा, यानी 689 का 5 गुना होता है 3445। तो 3445 ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो इस बार फिजिकल के लिए जाएंगे। इस बार फॉर्म कितना भरा गया है, तो 5.5 लाख से ऊपर इस बार फॉर्म भरा गया है। तो चलिए, अब देखते हैं इस बार कटअप क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनरल कैटेगरी। तो देखिए, जनरल कैटेगरी में इस बार आपका मेल में 85+, यानी कि आपको एग्ज़ाम में 100 प्रश्न में से 85+ प्रश्नों के सही से आंसर करने होंगे, तभी आप लोग फिजिकल के लिए जा सकते हैं, और फीमेल को 75+। अब देखिए, आप BC की बात करें तो 85+ है BC के लिए भी और फीमेल के लिए है 75+, कटअप इस बार भी हाई जाएगा। अब देखिए, आप बात करते हैं EBC, तो EBC में कटअप जाएगा 80+ और फीमेल में 70+। EWS की बात करें तो आपको 80+ प्रश्नों के सही से आंसर करने होंगे और फीमेल की बात करें तो 70+। और SC ST, देखिए SC की बात करें तो 75+ प्रश्न आपको सही करने होंगे और फीमेल के लिए है 62+। और ST की बात करें तो 78+ आपका कटअप जाएगा इस बार और फीमेल में 68+। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कितना हाई कटअप जाने वाला है, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है, इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए, मेहनत आपको करना पड़ेगा। मात्र आपके पास 1 महीने का समय बचा हुआ है, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी समय की बर्बादी ना करें, एग्ज़ाम तक जितना हो सके अधिक से अधिक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए और डेली क्लास अटेंड कीजिए मेरे चैनल पर 8:00 और एक क्लास है 8:30। दोनों ही क्लास को आपको डेली अटेंड करने हैं और 9:00 की क्लास को भी जल्दी स्टार्ट किया जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं एग्ज़ाम डेट तो 14 मई को है। और एडमिट कार्ड के बारे में बात करें तो देखिए, इसका एडमिट कार्ड जो है ये मई के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। अब चलिए बात करते हैं इसका एडमिट कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो देखिए, जैसे ही मदनी से सिपाही का एडमिट कार्ड जारी होगा आपको CSBC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा
वहाँ पर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। तो देखिए, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे डालना पड़ेगा, या फिर आप मोबाइल नंबर डाल के भी लॉगिन कर सकते हैं। जो आपने फॉर्म भरते वक्त मोबाइल नंबर डाला था, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम जो होगा लिखित परीक्षा, आप सभी जानते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा 10th लेवल के बेसिस पर पूछा जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आप लोग 100 प्रश्न में से 100 प्रश्न बना सकते हैं। एक भी प्रश्नों को आपको छोड़ना नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और सिलेबस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ स्टूडेंट को डाउट रहता है। तो देखिए, जीके यानी कि जनरल नॉलेज, इसमें आ गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सभी से मिला के इकोनॉमिक्स 35 से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। जीएस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 30 से 35 प्रश्न पूछा जाएगा। हिंदी की बात करें तो 5 से 10 प्रश्न हिंदी व्याकरण से पूछे जाएंगे, और हिंदी व्याकरण से बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए हिंदी व्याकरण के लिए आपको कोई अलग से और दूसरी क्लास करने की ज़रूरत नहीं है। रात 8 बजे ही आपको हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को भी करा दिया जाएगा। और इंग्लिश की बात करें तो 7 से 9 प्रश्न इंग्लिश से पूछे जाते हैं। मैथ से आपके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर्स की बात करें तो 2 से 3 प्रश्न, याद रखिएगा, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 प्रश्न करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। और अगर आप लोग करंट अफेयर्स की क्लास करना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल पर करंट अफेयर्स की क्लास कराया जाता है, जिसका नाम है दिवाकर स्टडी IQ। और इस एग्ज़ाम के लिए बेस्ट बुक की बात करें तो लूसेंट बुक, जो नीली वाली थ्योरी बुक है, इससे बेस्ट बुक नहीं हो सकता है। तो इसको पढ़िए। और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस के लिए हम डेली 2 क्लास देते हैं, रात 8 बजे और रात 8:30 बजे। तो उम्मीद करते हैं आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। और भी जो डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई दिया जाएगा या क्लास में आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।